देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन पूरे होने पर 4 लोगों को भेजा गया घर दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अहरौला, कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न प्रांतों से आए लोगों को माँ शारदा पीजी कॉलेज शंभूपुर गहजी में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उन्हें 14 दिन के लिए रखा गया था। शनिवार को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर योगेश कुमार गौतम, डॉक्टर नसीम खान, इनेम सुशीला राजभर के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य टीम के द्वारा क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बताते चले, कुल 49 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। 11 लोगों को 7 अप्रैल को 14 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देकर छोड़ा गया था। इसी प्रकार शनिवार को स्वास्थ्य टीम के द्वारा 4 लोगों को 14 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देकर घर भेजा गया और उन्हें जरूरी सावधानी बरतने के लिए भी स्वास्थ्य टीम के द्वारा निर्देश दिया गया। जीजीएस न्यूज 24 ब्यूरो फुलवरिया, रौला, गौरव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। है यहाँ का यहाँ पे जो हमारे 50 क्वारंटाइन में रखे गए हैं डिग्री कॉलेज में, पूर्णतः लोग स्वस्थ हैं और उसमें 11 लोगों को 7 तारीख के डेट में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देके छोड़ दिया गया है। 4 लोगों को आज के दिन में छोड़ा जा रहा है और सब स्वस्थ हैं। यहाँ पे जितने प्रवासी रखे गए हैं बाहर से आए हुए, और जैसे ही इनका 14 दिन हो रहा है इन लोगों का, बारी बारी सबको छोड़ा जाएगा। जैसे ही तो सर्टिफिकेट दिया जा रहा होगा ना, जैसा आदेश आ रहा शासन स्तर से उसके हिसाब से इन लोगों को। अभी कोई नया तो यहाँ आया नहीं है? कोई नहीं, जो पुराने हैं 49 वही 49 थे, वही 49 है। ठीक है, और कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही है कि कोरोना से संबंधित सावधानी कोई जो लोग बरते हैं उसके लिए संदेश यही है कि वो लोग अपने घर में जाके पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए हैं, फिर भी सावधानी बरते हैं अपने आप को। मास्क का प्रयोग हमेशा करें, काफ़ी लंबे अर्थ तक करना पड़ेगा मास्क का उपयोग, क्योंकि अभी भी अन्य देशों में इसका जो है फैलाव बढ़ता जा रहा है। तो हमारा देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।